हेलो एवरीवन, सुप्रभात। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण। द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों से थोड़े से भिन्न होते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि उद्देश्य वही होते हैं, जबकि उसके विकास की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा और विश्व बंधुत्व के लिए द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों से इसलिए भिन्न होते हैं। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, क्योंकि वो मातृभाषा से संबंधित होते हैं, जो कि जीवन संगिनी होती है एक बालक की। मातृभाषा का लक्ष्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होता है। और द्वितीय भाषा का उद्देश्य भाषा के कौशलों के विकास तक, अभी बताया था, सीमित रहता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। परंतु हिंदी साहित्य में रुचि लेने वाले लोगों का उद्देश्यों का स्वरूप उच्च कोटि का हो जाता है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के रूप में नहीं सीखी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उनकी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी मातृभाषा में ही पूरी हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिक आवश्यकताओं के रूप में नहीं सीखी जाती है। मौखिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो उनकी अपनी मातृभाषा में ही हो जाती है। पारिवारिक जीवन से लेकर मौलिक साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के ऊँचे विचारों को व्यक्त करने की भाषा तो मातृभाषा ही है, पर जीवन के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में, अपने देश के अन्य राज्यों में या राज्यों से संपर्क स्थापन के लिए और उनके साथ व्यवहारिक आदान प्रदान के साधन के रूप में हिंदी भाषी हिंदी सीखते हैं। क्योंकि बहुत से क्षेत्र होते हैं, जैसे व्यापार करना है, शैक्षिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, आपस में ही जो संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनमें बात करने के लिए, जैसे किसी के भाई बाहर विदेश में रहते हैं या कोई दूसरे रिलेटिव बाहर रहते हैं, तो बात करने के लिए हिंदी भाषी हिंदी सीखते हैं। अतः हिंदी सीखने का उद्देश्य उनके लिए केवल चारों कौशलों का विकास करना होता है। विचार कौशल, जैसे हिंदी में मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को भी समझ सकें, जैसे कि मान लीजिए कोई बात कर रहा है, अब मौखिक रूप से जो विचार व्यक्त किए हैं, अभिव्यक्ति की है, उसको समझ सकें। वो कैसे समझेंगे? सुनकर समझेंगे। अगर उन्हें हिंदी आती है तो हिंदी समझ जाएंगे, अगर हिंदी नहीं आती है तो समझने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हिंदी में लिखित रूप से व्यक्त विचारों को समझ सकें, क्योंकि पत्र व्यवहार आदि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, तो पत्र अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी जानना आवश्यक हो जाता है दूसरी भाषा जानने वाले व्यक्ति के लिए। हिंदी माध्यम से अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट कर सकें, वे भी अपने हिंदी माध्यम से, मान लीजिए हिंदी भाषी दूसरी भाषा का ज्ञान उसे नहीं है, तो हिंदी में वो बता सकें, जिससे कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको समझ सके, इसमें बोलना आना चाहिए। हिंदी माध्यम से अपने विचारों को लिखित रूप से प्रकट कर सकें, इसमें लिखना आ जाता है, जैसे उसमें पढ़ना आ गया, उसमें लिखना आ गया, तो इसमें भी हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। हिंदी भाषी छात्र छात्राओं के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रमुख भाषाई कौशलों के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से भी मातृभाषा एवं द्वितीय भाषा शिक्षण में अंतर हो जाता है। मातृभाषा शिक्षण में, जैसा कि बताया गया है, मातृभाषा शिक्षण जो होता है उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना एक स्वाभाविक एवं क्रमयुक्त प्रक्रिया है, परंतु द्वितीय भाषा शिक्षण में ये क्रम कुछ परिवर्तित हो जाता है। कुछ विचारकों का मत है कि सुनने और लिखने का क्रम तो प्रथम एवं चतुर्थ ही है, पर बोलने और जो है पढ़ने का क्रम जो है बदल जाता है। तो यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो ये भी जो कौशल हैं, ये प्रमुख कौशल हैं। मातृभाषा शिक्षण में तो बड़े आसानी से सीख लिए जाते हैं, लेकिन द्वितीय भाषा शिक्षण में इन्हें सीखना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो इसमें कुछ बारीक बिंदु होते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित छात्र छात्राओं को कराया जाता है, ये कार्य एक शिक्षक का होता है। तो इसमें श्रवण कौशल एक प्रमुख कौशल है, उसके बाद बोलना, वाचन, फिर पढ़ना तथा लिखना। तो श्रवण कौशल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि श्रवण कौशल से अभिप्राय है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उच्चारण की हुई ध्वनियों, शब्दों, भावों
और विचारों को कानों से सुनकर अर्थात ग्रहण करने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। ये कौशल भाषा सीखने का प्रथम सोपान है। अन्य कौशलों को सीखने के लिए आधार बनाता है। कोई भी वक्ता जिस अभिप्राय या अर्थ को लेकर अपने विचारों और भावों की मौखिक रूप में अभिव्यक्ति करता है, उनको उसी रूप में सुनकर अर्थ समझने की योग्यता को श्रवण कौशल कहा जाता है। इसकी हमारी दैनिक जीवन में बहुत आवश्यकता और महत्व है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। बालक के व्यक्तित्व के विकास और भाषा शिक्षण की दृष्टि से श्रवण कौशल का अपना बहुत अधिक आवश्यकता है और इसका महत्व भी है। प्रत्येक बालक जन्म के उपरांत विभिन्न ध्वनियों को सुनना प्रारंभ कर देता है। इन ध्वनियों से उसका मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है। ये ध्वनियाँ बालक के भाषा ज्ञान के लिए आधारशिला का कार्य करती हैं। अब जिस बालक की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वह तो कक्षा में जाकर ही श्रवण करेगा, तो यहाँ पर ध्यान से सुनने पर ही बालक इन ध्वनियों के अंतर को समझ पाता है। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बालक परिवार में रहते हुए अपने से बड़े सदस्यों को बोलते हुए देखकर उनका अनुसरण करते हैं और इस प्रकार से वह मौखिक अभिव्यक्ति भी करने लगते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि श्रवण कौशल केवल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे पठन कौशल और लेखन कौशल का भी विकास होता है। उदाहरण के रूप में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन सुनकर बालक उसका अनुसरण करके वाचन करने लग जाता है। श्रवण कौशल विकास से लेखन कौशल का विकास संभव है, क्योंकि बालक शिक्षण द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर ही लिखता है, ये देखा गया है। इस प्रकार से धीरे धीरे जब बड़ा होता है और किसी व्यवसाय में आ जाता है या किसी जॉब में आ जाता है, तब उसे भाषा ज्ञान आवश्यक हो जाता है। केवल उसमें सुनकर उसका अर्थ लगाना होता है और उसको समझना होता है और उसे उसके ही माध्यम से उसे अभिव्यक्ति करनी होती है। दूसरा है बोलना, इसे वाचन कह सकते हैं, वाचन कौशल कह सकते हैं। जब बालक, जैसा कि बताया कि अभी श्रवण, सबसे पहले श्रवण करता है उसके बाद वाचन, तो बालक में बोलने की क्रिया के विकास में अनुकरण का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। यानी कि अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। बालक के सामाजिक परिवेश में उपस्थित अन्य लोग जिस प्रकार से बोलते दिखाई देंगे, बालक उन्हीं का अनुकरण करेगा। जब कक्षा में बालक जाता है तो अध्यापक जैसा बोलता है बालक वैसा सुनता है और सुनकर वैसा ही अनुकरण करने का जो है प्रयत्न करता है। यहाँ पर स्वर और व्यंजन का जैसा कि अनुकरण करता है वैसे ही सीखता है। कभी कभी हम प्रायः देखते हैं समाज में बालक किसी को अगर गलत शब्द बोलता हुआ सुन लेता है, जैसे लखनऊ को नखलऊ सुन लिया, स्टेशन को टेशन सुन लिया, तो वह वैसे ही बोलने लगता है और उसकी वैसी ही हैबिट पड़ जाती है। बालक विभिन्न शब्दों का अर्थ सम्बद्धता के साथ ग्रहण कर लेता है। जैसे जब उसे कोई भी शब्द उस वस्तु या व्यक्ति को दिखाकर बुलवाया जाता है, तो वह आसानी से जो है उसमें सम्बद्धता स्थापित कर लेता है। बोलना सीखने में प्रेरणा का यानी कि मोटिवेशन का बहुत ही महत्व है। यदि बिना बोले ही बालक की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो ये बोलने का प्रयास नहीं करेगा। यदि बालक की आवश्यकताएं रोने से अथवा तुलनात्मक बोलने से पूरी तरह से हो जाती हैं, तो वह सही बोलने का प्रयास नहीं करता। अगर बालक को बोलने के लिए प्रेरित करने वाली आवश्यकताओं में मुख्य है कि अपनी आवश्यकताओं को बताना, मन में आए हुए विचारों को प्रकट करना, जिज्ञासा की शांति के लिए वातावरण संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना तथा अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करना, इस प्रकार से बालकों को उपयुक्त प्रेरणा देकर बोलना सीखने में उसकी सहायता की जा सकती है। तो यहाँ पर बोलना स्पष्ट रूप से आना चाहिए। इसमें ना ही तो ज़्यादा व्याकरण का महत्व है और ना ही अन्य किसी प्रेसों का महत्व है। बोलना सिखाने में स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पढ़ना। इसी प्रकार से जब बालक को स्वर और व्यंजनों को ज्ञान कराया जाता है, स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है, तब वह उनको बार बार समझता है, उनकी आकृति को, वर्णों की आकृति को समझता है और धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। इसके बाद आता है लेखन, यानी कि लिखना कौशल। लेखन कौशल का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। सामान्यतः प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि व्यवस्था होती है। इन लिपि प्रतीकों को वे ही समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि व्यवस्था का ज्ञान है। तो यहाँ हिंदी की बात आती है, तो यहाँ पर हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। बालक को लिपि किस तरह से दाएं बाएं आगे पीछे
किस तरह से अक्षर को घुमाकर लिखना चाहिए, ये शुरू में ही उसे जब भाषा का ज्ञान कराया जा रहा है तो सिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को अच्छी प्रकार से लिखना सीख जाएगा बालक। लिखना एक स्वाभाविक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया, ये प्रक्रियाएँ हैं, परंतु द्वितीय भाषा शिक्षण में ये क्रम कुछ परिवर्तित हो जाता है। कुछ विचारकों का मत है कि सुनने और लिखने का क्रम तो प्रथम एवं चतुर्थ ही है, पर बोलने और पढ़ने का क्रम जो है थोड़ा बदल जाता है। द्वितीय भाषा में पढ़ने का अभ्यास होने पर ही बोलने का अभ्यास निर्भर होता है, अथवा दोनों क्रियाएँ एक साथ होनी चाहिए। कुछ छात्रों को कौशल तथा बोध के विकास तक ही सीमित नहीं रखा जाता, उन्हें हिंदी भाषा को संरचना और अधिकार कराकर उनके प्रयोग का अभ्यास कराया जाता है। साहित्यिक विवेचन एवं मीमांसा का भी विकास किया जाता है, अनुवाद कौशल की योग्यता का विकास किया जाता है, और अहिंदी भाषी प्रदेशों के छात्र हिंदी वाक्यों को शुद्ध रूप में लिख सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर हिंदी बोल सकें, इसका प्रयास अवश्य होना चाहिए। इसके लिए हिंदी पाठ्यक्रम को सीमित होना चाहिए, शब्द भंडार एवं शब्द संरचनाओं को व्यवस्थित करके शिक्षण करना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों को पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना तथा वे किसी भी बात को आसानी से समझ सकें तथा अपनी भाषा में अर्थात अपनी मातृभाषा में उसे आत्मसात कर सकें, इतना ज्ञान कराया जाना चाहिए। मुख्य रूप से द्वितीय भाषा शिक्षण के यही उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि जब तक बालक किसी भी भाषा को अपने भाषा में आत्मसात नहीं करेंगे और नहीं समझ पाएंगे तो उस भाषा ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसमें जो हमने अभी चार कौशल बताए थे, उन्हीं कौशलों का विकास करना होता है, और यही उद्देश्य होते हैं कि कौशलों का विकास करना, सुनना कौशल का विकास करना, बोलना कौशल का विकास करना, पढ़ना कौशल का विकास करना तथा लिखना कौशल का विकास करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।